वर्ग के इच्छा के अनुसार सभी व्यक्तियों का दुनिया के हर कोने से शिव भक्ति का प्रचार कराने के लिए किया। कोलो द्वीप का उत्तर हिस्सा दोनों श्री गोवर्धन और बहुला वन है और दक्षिण हिस्सा श्री वृंदावन की रासलीला है। श्री देवानंद गौड़ीय मठ कोलो द्वीप के बीचों बीच में स्थित है। श्रील भक्ति पजानंद केशव गोस्वामी महाराज ने इसकी स्थापना की है। ये योग माया का मंदिर है जिसे प्रोधा माया भी कहा जाता है। योग माया सर्वोच्च प्रभु के बेहतर अंतरिक्ष शक्ति में से एक है और वे उनकी विभिन्न रूपों में सेवा करती है। कंस और अन्य राक्षसों को दंडित करने के लिए वे महामाया के रूप में मथुरा में प्रकट हुई थी। योग माया पूर्णमासी के रूप में जीवों पर दिव्य शक्ति प्रदान करती है और राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए पात्रता अनुदान करती है। पूर्णमा तला में वृद्ध शिव जी का मंदिर। बारह महामुनियों में ये एक महान मुनि थे और इनका नाम था सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। उन्होंने इस जगत में 140 साल बिताए हैं। कहा जाता है कि महान दया के एक अध्ययन में उन्होंने अपने पूरे ताकत का संचार भजन और उनके शास्त्रों के ज्ञान प्रेम भक्ति में समापन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के दिल में किया था। श्री गौर नित्यानंद और श्री जगन्नाथ के जिस मूर्ति की सेवा श्री वृंदावन दास ठाकुर किया करते थे वो मूर्ति अभी भी पूजी जाती है। ये है श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी का श्रीपाद। वो चार युग में चार अवतार में आए थे और उन्होंने चैतन्य भगवत लिखा था। वे श्री कृष्ण वेद व्यासा के दूसरे रूप है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मधुरम गौड़ीय मठ की यहाँ स्थापना की। ये जगह अध्ययन और शिक्षा का मुख्य केंद्र है। ये है कलम वृक्ष और ये विद्यानगर में स्थित है। विद्यानगर में वेद उपनिषद पुराण स्मृति और ज्ञान के 64 प्रकार ने जन्म लिया है। विद्यानगर नवद्वीप के ऋतु द्वीप में स्थित है। ये जगह व्रज के कुमुद वन से गैर अलग है। देर से दोपहर के दौरान श्री कृष्ण यहाँ चढ़ावे लड़कियों के साथ चंचल लीलाओं का प्रदर्शन करते थे। राजा समुद्र सेना ने भी इन लीलाओं का दर्शन किया था। श्रीमान महाप्रभु की असीम दया ही कलयुग के जीवों की उम्मीद है।